कंपनी, इनफैक्ट देखिए बहुत पुरानी कंपनी है, और बॉम्बे में जो रहते हैं वो निर्लॉन के बारे में नहीं जाने, ऐसा हो नहीं सकता है। उनके जिस तरीके से उन्होंने प्रॉपर्टीज डेवलप की है, पहले एक इंडस्ट्रियल वो होती थी, कंपनी होती थी, इंडस्ट्रीज में थी और पायनियर थी एक टाइम पे रबर और इंडस्ट्रियल टारपोलिंस और ग्रे टेक्सटाइल्स बनाने में, और 1962 से इनफैक्ट कार्यरत है ये कंपनी। बट अब जो है ये लोग ने अपने डेवलपमेंट एक अलग तरीके से की, और ये प्योरली ये जो कंपनी है ये आईटी पार्क में है। मैंने नेस्को भी इस सेगमेंट से रेकमेंड किया हुआ है, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पार्क क्योंकि निर्लॉन टेक्नोलॉजी पार्क है गोरेगांव ईस्ट में, काफी पॉपुलर है बॉम्बे में, और जिस तरीके से रेवेन्यूज इनकी बढ़ रही है वहां पे, और एक फेज फाइव इनका FY22 एंड तक या थोड़ा बहुत और एक्सटेंड हो जाए तो वो अलग बात है, तो और एक नया एडिशन होगा फेज फाइव, जो बहुत बड़ी बात होती है। और वहां पे 1.16 मिलियन स्क्वायर फीट जो कि ऑलरेडी उन्होंने जेपी मॉर्गन को लाइसेंस कर चुकी है, तो वहां से रेवेन्यूज बढ़ेगी। और ओवरऑल मैं देख रहा हूँ जिस तरीके से बैकिंग है, देखिए रेको बेरी जो कि एक जीआईसी की एफिलिएट है, मतलब इंटरनेशनल जीआईसी, तो मुझे लगता है कि बहुत स्ट्रांग बैकिंग, 62% उनकी इक्विटी है, और मार्केट कैप देखिए 2800 करोड़ है, और मतलब डिविडेंड डील 2.5% के लगभग है, 2.55 रिटर्न ऑन इक्विटी 25%, और प्रमोटर की होल्डिंग है बहुत स्ट्रॉन्ग 71% ऑलमोस्ट, और प्रॉफिट की कैगर पिछले 3 साल की रही है, मतलब पिछले 2 साल से कंटिन्यूअसली 100 करोड़ के ऊपर पैसा कमा रही है कंपनी, जो रेंटल्स की इनकम होती है, और 31% की प्रॉफिट की कैगर है पिछले 3 साल की, 5 साल से 23% के लगभग। ओपीएम लाजमी है कि हाई रहने हैं क्योंकि रेंटल्स की इनकम है, लीज रेंटल्स की तो 73% है, तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक बहुत आराम से 400 रुपए के लेवल्स तो दिखाएगा आने वाले दिनों में, और भी काफी बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउसेज और रिसर्च में भी मैंने देखा इस स्टॉक को, तो मुझे लगता है कि अच्छी खासी कैगर है, 35% के लगभग की कैगर आने वाले दिनों में ये अचीव करेगी। सो आई फील ये स्टॉक को इन लेवल्स पे ले, और या आज ऑलरेडी मेरे हिसाब से 15-1% के लगभग चल रहा है, तो जहां पे भी नीचे आए मौका मिले, क्योंकि बैड डेज आते हैं मार्केट में, ऐसा नहीं कि हर दिन ये अच्छा रहेगा, तो जहां पे भी बैड डेज आए उस दिन मौका देख के इसको 320-325 के लेवल्स आते हैं वहां पे एंट्री ले, बट जिन्होंने ले भी लिया कोई दिक्कत नहीं है, मुझे लगता है कि आगे आने वाले दिनों में बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। समय 6 से 9 महीने दीजिए, कम से कम 12 महीने तक, और आराम से ये लेवल्स 400 रुपए के दिखाए।